वेलकम बैक स्टूडेंट। बट वन डे बिली वॉज वेरी अनलक्की। एक दिन बिली जो था वो बहुत ही अनलक्की सिद्ध हुआ उसके लिए। अ स्मॉल वुडन बॉक्स केम फ्लोटिंग डाउन द रिवर। एक छोटा सा लकड़ी का जो बॉक्स था वो तैरता हुआ नदी में आ गया। फॉर बिली हु ऑफन च्यूड रॉक्स एंड स्टोन्स। और बिल्ली के लिए जो अक्सर मतलब बड़े बड़े चट्टानों को और पत्थरों को खा जाता था, इट शुड हैव बीन एज ईजी एज इट अ पीस ऑफ टॉफ़ी। उसके लिए वो ऐसा ईजी हो गया जैसे टॉफ़ी का एक टुकड़ा खाना। बट द बॉक्स वॉज फुल ऑफ नेल्स एंड स्क्रूज। लेकिन वो जो वो था बॉक्स था उसके अंदर कीले और स्क्रूज मीन्स औजार भरे हुए थे। बट दे हर्ट बिल्ली टीथ सो बैडली। और उन्होंने जो बिल्ली के दांत थे उनको बहुत बुरी तरीके से चोट पहुंचा दी। दैट ही हैड अ टेरिबल टूथ एच, जिससे उसके बहुत भयानक दांत में दर्द होने लगा। द रेस्ट ऑफ द डे ही कुड नॉट ईट एनीथिंग एल्स। और अब वो पूरे दिन कुछ नहीं खा पाया। द नेक्स्ट डे समथिंग इवन वर्स हैपन। दूसरा दिन उसके लिए और भी ज़्यादा खराब हुआ। ऑल टीथ फेल ऑफ, उसके सारे दांत गिर गए। When Billy became toothless, और जब बिली बिना दांतों वाला बन गया, he could eat nothing than like he used to। अब वो पहले वाली कोई चीज़ नहीं खा पाता था। He just managed to have some flowers, grass for breakfast, lunch and dinner। और अपने ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर में अब वो बस फूल और कुछ घास वगैरह ही खा पाता था। He also began to look less threatening। अब वो कम डरावना लगने लगा। Slowly people stopped coming to see। और धीरे धीरे लोग थे वो कम हो गए उसको देखने के लिए। जो लोग आते थे वो कम होते चले गए। और टूथलेस हिप्पो वॉज नॉट वेरी स्केरी, क्योंकि जो टूथलेस हिप्पो था अब वो ज़्यादा डरावना नहीं था और इंटरेस्टिंग नहीं था। नोबडी टॉक्ड अबाउट हिम आइदर, और कोई भी उसके बारे में बात नहीं करता था। बिली वॉज सैड एंड बोर्ड। अब बिली बहुत दुखी और बहुत ही बोर हो गया था। अ फ्यू वीक्स लेटर, कुछ सप्ताह बाद, अ लिटिल गर्ल नीला एंड हर पेरेंट्स केम वॉक बिसाइड द रिवर। नीला और उसके जो पेरेंट्स थे वो नदी के किनारे घूमते हुए आ गए। दे लिव्ड इन डिफरेंट टाउन, वे दूसरे शहर में रहते थे। एंड डिड नॉट नो अबाउट बिली, वो बिली के बारे में कुछ नहीं जानते थे। बिली हैड बीन रेस्टिंग अंडर द वाटर, और बिली जो था वो पानी के अंदर रेस्ट कर रहा था। व्हेन ही हियर्ड देयर वॉइसेस, जब उसने उनकी वॉइस को सुना, ही केम अप क्विकली, वो जल्दी से बाहर आ गया। एगर टू मीट सम न्यू फ्रेंड्स, और वो बहुत ही बेचैन था उनसे मिलने के लिए, अपने नए फ्रेंड से। द फैमिली वॉज टेरिफाइड, फैमिली बहुत डरी हुई थी टू सी अ ह्यूज हिप्पो कमिंग आउट ऑफ द वाटर। जैसे ही वो पानी में से निकलकर बाहर आया, वो इतने बड़े विशाल हिप्पो को देखकर डर गए थे। दे वर गोइंग टू रन अवे व्हेन बिली गेव देम अ वाइड स्माइल, और वे जो थे अब वो दूर भागने की कोशिश कर रहे थे जब बिल्ली ने उनको एक बड़ी सी स्माइल दी। देन दे सा ही वॉज अ टूथलेस हिप्पो, और तब उन्होंने देखा कि उसके तो दांत ही नहीं है। दे वर सो रिलीव्ड, और वो थोड़ा सा रिलैक्स हो गए। उनको ये पता चल गया कि ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दे ऑल्सो स्माइल एट हिम, वे भी उसकी तरफ स्माइल करने लगे। नीला वेव्ड, नीला ने हाथ हिलाया। हर फादर टुक अ फोटोग्राफ ऑफ बिली, और जो उसके फादर थे उन्होंने बिली का फोटोग्राफ लिया। व्हेन दे लेफ्ट बिली वॉज क्वाइट सैड, और जब वे चले गए तो बिली बहुत दुखी हो गया। नीला मदर वॉज अ डेंटिस्ट, नीला की मदर एक डेंटिस्ट थी। शी फेल्ट सॉरी टू सी दैट बिली हैड नो टीथ, और उन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ कि बिली के कोई भी दांत नहीं था। When he went back home, और जब वो अपने घर वापस गई, she thought about the friendly hippo, वो उसके बारे में सोचने लगी। How she could help him, कि वो उसकी कैसे help कर सकती हैं। Then he had a great idea, तब उनके दिमाग में एक विचार आया। In a week, Neela and her family came to the riverside again। एक वीक के अंदर ही नीला और उसकी फैमिली जो थी वो दोबारा से उसी नदी के किनारे गए। दिस टाइम दे हैड कम टू विजिट बिली, अब इस समय वे जो थे बिल्ली को देखने के लिए आए थे। नीला मदर हैड बॉट अ गिफ्ट फॉर बिली, नीला की जो मदर थी वो उसके लिए गिफ्ट लेकर आई थी। अ सेट ऑफ फॉल्स टीथ, एक नकली दांतों का सेट वो उसके लिए लाई थी। दे फिट हिम परफेक्टली, और उन्होंने उसको उसके दांतों में फिट कर दिया। बिली वॉज सो हैप्पी, बिली बहुत खुश था। दैट ही कुड नॉट स्टॉप स्माइलिंग, कि वो अपनी स्माइल को रोक नहीं पा रहा था। ही इवन फॉरगेट टू ईट, यहाँ तक कि वो अब सब कुछ खाना भी भूल चुका था। स
सम पीपल स्टार्टेड कमिंग टू सी बिली अगेन. अब जो कुछ लोग थे वो फिर दोबारा से बिल्ली को देखने के लिए आने लगे. दे वॉन्टेड टू बी फ्रेंड्स विद हिम. वो उसको फ्रेंड बनाना चाहते थे. यू सी ऑल दो बिली हैड फॉल्स टीथ नाउ. क्योंकि आप देखते हैं कि अब बिल्ली के फॉल्स टीथ आ गए थे. ही डिड नॉट ट्राई टू ईट एनीथिंग. अब वो कुछ भी खाने की कोशिश नहीं कर रहा था. एवरीथिंग एज बिफोर, जैसे वो सब कुछ पहले खा लेता था. ही वॉज रियली एफ्रेड ऑफ लूजिंग हिज न्यू टीथ. अब वो जो था बहुत डरा हुआ था ऑफ लूजिंग हिज न्यू टीथ, के कहीं उसके ये टीथ भी ना गिर जाएं. एंड ही सा दैट स्माइलिंग मेड हिम मोर फ्रेंड्स. और उसने देखा कि उसकी स्माइलिंग से उसके फ्रेंड बनते जा रहे हैं. ही स्माइल व्हेनेवर ही सा समवन. जब वो किसी को देखता था तो स्माइल करने लगता था. समटाइम्स इवन व्हेन ही वॉज अलोन, और कभी कभी जब वो अकेला होता था, ही वॉज हैप्पी टू ईट ग्रास फ्लावर्स एंड लीव्स एंड ट्रीट्स हिज न्यू फ्रेंड्स ब्रॉट हिम. वो ग्रास और फ्लावर्स को खाकर खुश होता था, लीव्स को एंड द ट्रीट्स, और ट्रीट करता था अपने न्यू फ्रेंड्स को. ब्रॉट हिम, जो उसके फ्रेंड अब बन गए थे. बिली वॉज नाउ अ हैप्पी हिप्पो. अब बिली जो था वो एक हैप्पी हिप्पो बन चुका था. थैंक्स, हैव अ नाइस डे.